वक्त हम खड़े हैं कानपुर के बिहार रोड में। यहाँ पर कई सालों से मोहन पकौड़े वाले हैं जो पकौड़ा लगाते हैं। भाई हम इससे बात करते हैं और जानते हैं कि आज पूरे देश में जिस पकौड़े की बात हो रही है उसके बारे में इनका क्या कहना है। सुंदर, ये पकौड़ा आप बेचते थे, आपको क्या कुछ खराब लगती है? क्या आपको कितनी इनकम आती है आपकी? कैसा लगता है पकौड़ा बनाना आपको? ठीक लगता है। कितने सालों से बना रहे हैं आप? 20-25 साल। अच्छा, कितनी इनकम होगी आपकी? 5-6 हज़ार। तो पकौड़ा बनाने से कभी बेरोजगार आपके परिवार में कोई नहीं? सब लोग इसी काम में लगे हैं? सब लोग इसी काम। कौन कौन लगा है आपके परिवार में? भाई है, कौन कौन है? भाई है, चाचा है, भाई लोग हैं। आप अपने इस व्यापार से खुश हैं पूरी तरह? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? तो देखिए किस तरीके से जो है मोहन पकौड़े वाले, उन्होंने बताया कि पकौड़ा बनाने के बाद वो पूरा खुश हैं और उनका पूरा परिवार 25 सालों से ही पकौड़े का काम कर रहा है, लेकिन उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं। उनका ये कहना है कि बेरोजगार रहने से अच्छा है कि वो पकौड़े बनाएं और अपनी जीविका चलाएं। हीरा, ये बताओ कि कब से ये काम कर रहे हो और कैसा लगता है तुम्हें ये काम करने में? तो कोई खराबी या कुछ? 20 साल से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 20 साल से पकौड़े बना रहे हैं? अच्छा, तो किस तरह के पकौड़े बनाते हो, क्या क्या बनाते हो तुम? 5-6 वैरायटी है, ब्रेड है, टिकिया है, आलू की मिर्चा है, गोभी है, पकौड़े हैं, प्याज की पकौड़ी है। दिल्ली कितना कमा लेते हो? 5-6। घर परिवार चल रहा आराम से? बेरोजगारी से अच्छा है? कहीं बेरोजगार नहीं रहे? बेरोजगार कर रहे थे?